एक कटपीस में महाराज जी को सुनाना चाहता हूँ। गीत में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरी आत्मा करी कि महाराज जी को सुना दीजिए। गीत में है कुछ भी नहीं फिर भी सुनाना चाहता हूँ। तो जब आत्मा कह रही है तो आत्मा की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए, तो मैं सुना रहा हूँ। बिल्कुल इस दिल में याद है यही बात और भाई बेटा ये बात दादाजी सुनिए। धरती पे तूफान कितने इस दिल में अरमान है कितने ऐसे समय नहीं ले रहा हूं। पीछे पड़ गई दुनिया फिल्म से ज्यादा मतलब रखता नहीं हूं। फिल्म में आया कि मैं 55 का बुढ़ा नहीं माटी का गुड्डा जी ठीक है गुड्डा कर लीजिए वो मेरा नहीं फिल्म का जादू कर लीजिए। सही बात मैं तो ये जाता हूँ या तेरा मेरा प्यार देख के यार बिगड़ गई दुनिया रे पीछे पड़ गई दुनिया रजत पर अड़ गई दादाजी गीत को सुनिएगा। इतना सरल गीत मैंने आज तक नहीं लिखा है? आपने नहीं इतना सरल सुना होगा। कैसे राधा यहाँ जितने लोग बैठे कुछ लोगों ने YouTube में हो सकता सुन लिया हो, जिन्होंने सुन लिया फिर से सुनिए आनंद उतना ही आएगा उससे 1% भी कम हो तो हमसे शिकायत करना। बिल्कुल हाँ हो सकता है 1% और ज्यादा आ जाए। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज कार्यक्रम बागेश्वर धाम में है। ये बात यहाँ की शक्ति भी तो लगेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल राधा मटकी बेचल जाए वैसे तो उम्र हमारी 55 की है जी, लेकिन आज अभिनय हमको बचपन का मिल गया है। राधा मटकी बेचल जाए तो जाए मटकी ऐसे चल रहा मटकी। अच्छा मटकी अच्छा मटक के चल रहा। दादा तुम जवाब नहीं दे पाओगे इसका। जानते हैं जाए मटकी जाए कैसे कि सर मटका के चलती कभी ऐसे अच्छा सर अरे कभी कोई वजन होता है तो दर्द करने लगता है ऐसे कर लिया तो सर मटका मटका के चलती
धर मटका पे मटकी ये है ना साधारण बात है बिल्कुल। राधा राधा माखन बेचन जाए तो जाए मटकी मटकी और सर मटका मटका के चलती धर मटका पे मटकी। वन में पहुंची है कन्हैया ने देख लिया तो कान्हा ने चूनर आराम से कान्हा ने चूनर झटकी। अच्छा। बड़े घर की बिटिया चूनर झटकी कान्हा ने चूनर झटकी ये बात सभी को खटकी खटकी। हमारे नायक जी नहीं थे वहां दरोगा जी जी कान्हा ने चूनर झटकी ये बात सभी को खटकी। क्रोध आया तो धर पटकी क्रोध में युता है धर पटकी क्या क्या मटका मटकी अच्छा दोनों तो धर पटकी मटका मटकी तो एक विचित्र घटना घट गई। कैसी कि धर पटकी मटका मटकी तो घुस गई मटका में मटकी। वाह राधा बैठ के रोने लगी नैया बोले मत रो भाई हमारी मटका मटकी मत रो। बोले राधिका आदरणीय निवेदन करता हूँ यहाँ सभी रचनाकारों से रचना मेरी सस्ती इसलिए क्योंकि मैं ही सस्ता हूँ लेकिन निवेदन करता हूँ कि कीर्तन में शायद अभी तक आपने वेदांत नहीं सुना होगा। क्या बात है देखिएगा प्रयास करता हूँ क्योंकि महाराज जी के चरणों का आज आशीर्वाद मिला है मेरा हृदय गदगद है मैं कह नहीं सकता क्या खुशी है मुझे। क्या बात सही बात कान्हा ने चूनर झटकी ये बात सभी को खटकी तो धर पटकी मटका मटकी घुस गई मटका में मटकी। दादा इन ऑन दोनों चल रहा है बिल्कुल पहले धर मटका पय मटकी ये पय मटकी और जब पटकी तो घुस गई मटका में मटकी ये पय में। राधा रोने लगी कहिए बोले मत रो बोले क्यों ये तो बोली भाई बड़े भाग्य को मिलता है। अच्छा मेरे मटका मटकी का भी बड़े भाग की बात बोली यही तो वेदांत है। बोले कन्हैया मेरे मटका मटकी का तुम्हें वेदांत कैसा वेदांत। बोले राधिका सुन सुन आप सभी लोग सुने कि मेरे जैसा मटका कि मेरे जैसा मटका और तेरे जैसी मटकी। लेकिन ये कहना चाहे तुम मटका और मटकी है बोले अवश्य जी तुमने ध्यान नहीं दिया तुम समझ जाती कैसे कैसे बोले प्रैक्टिकल प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बोले क्या क्या कि मेरे जैसा मटका और तेरे जैसी मट्टी की जब मैं मटका तुमने गौर नहीं किया जब मैं मटका तुम मटका मटका जय जय मटकी अपनी जगह बिल्कुल केवल मटका कि मैं मटका तो मटका मटका और जब तू मटकी तो मटकी मटकी। क्या बात ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम इतना सस्ता गीत सुना भूपेन्द्र जी
कि मैं मटका तो मटका मटका तू मटकी तो मटकी मटकी। आदमी मटकता कब है? कब जब कोई गाल में चांटा मारे तब नहीं, जब आदमी खुशी की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। क्या बात है, आनंद की पराकाष्ठा में तब मटकता है। तू मटकी तो मटकी मटकी जानते क्यों? क्यों? खुशी मटका पे मटकी, खुशी मटका पे मटकी, सो खुशी मटका पे मटकी, मटका पे मटकी। निवेदन करना चाह रहा हूं, ना ये मटका है ना मटकी है, मटका है परमात्मा, मटकी है आत्मा। आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाए बस इससे बड़ा वेदांत क्या बात है। बस यहीं से सभी को प्रणाम करता हूं और अगले चरण के लिए आह्वान करता हूं। बड़े भाई दादा माता ने विश्वकर्मा बहुत सुंदर। आदरणीय दीक्षित जी को आप सुन रहे थे। धनुष का शुभारंभ हुआ है टूटने का, और आपने बहुत पुराने प्रमाण से आज धनुष की शुरुआत की है। लक्ष्मण जी बता रहे हैं परशुराम जी को कि मैंने तो बहुत पहले पहले युग में तोड़ी है, तब तो आप नाराज नहीं हुए हैं। और बहुत सुंदर उदाहरण आपने तीन उदाहरण दिए हैं कि गंधर्वों वाला दधीच वाला पता दिए हैं, लेकिन आज क्या कारण है जो आप इतने नाराज हो रहे हैं? निश्चित रूप से दादा माता दीन जी आएंगे और आगे इस कथा को बढ़ाएंगे। और सुंदर सा एक कटपीस आपने मटका मटकी पे दिया है, और ये 250 लाल चच्चा जी की ओर से और 250 माता दीन जी के लिए, लाल चंद जी के लिए और 250 दादा के लिए, पचौरी ठेकेदार। नोटा दो आदो करने, नोट भैया बहुत कीमती है, फाड़ नहीं सकते, इसमें मुकदमा हो जाएगा, इसलिए 250-250 रुपया आधे आधे बांट लो। बहुत सुंदर गीत निकला है, और क्योंकि ये शास्त्र की लड़ाई है शास्त्रों की नहीं है, इसलिए कहना चाहता हूं कि नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में है खालिस निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है सभी का, बचा लो इसे बचा लो इसे बचा लो इसे। और ऐसा कितना अपनापन हो रहा है, एक दूसरे को बड़े भाई कह रहे हैं और तीर बराबर छोड़ रहे हैं। ऐसा अपनापन भी क्या जो अजनबी महसूस हो, पास रह करके मुझे तेरी कमी महसूस हो, बस इतने से बदल सकता है दुनिया का निजाम, कोई रोए आंख में सबके नमी महसूस हो, सबके नमी महसूस हो। अगर ये भाव दुनिया में आ जाएगा तो निश्चित रूप से दुनिया बदल जाएगी। हम हिंदू धर्म के पालक हैं, अपन तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। अयम निजा परो बेति गणना लघु चेत साम, उदार चता नाम तू बस देव कटम्बुकम, सारी दुनिया हमारा परिवार है। हम अहिंसकवादी हैं, हिंसकवादी नहीं है, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम सारी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। तो आज यहां सारा परिवार काम कर रहा है। आदरणीय दादाजी आप आ रहे हैं, बहुत सुंदर से गीत सुंदर से जवाब लेकर, और कहना चाहता हूं आज हनुमंत लाल का दरबार लगा है। अगर आप ना पढ़े इनको कहानी धर्म के पुस्तक की तरह, भगवान के चरित्र को अगर कहानी के रूप में भी अपने आप में उतार लिया तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान का चरित्र आप देखिए, भगवान को भेजा गया हनुमंत लाल को, सुरसा मिलती है,
जस जस सुरता बदन बढ़ावा तास दुगन कभी रूप दिखावा सत योजन जब आनंद कीना अति लग रूप पवन सुत कीना। सुरसा माँ ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। भगवान ने पहले ताकत दिखाई लेकिन जब बुद्धि की बारी आई उनने देखा कि बहुत बढ़ गई, अंदर घुसे बाहर निकल आए कि माँ तुम्हारा काम हो गया है और हमें भी अपने काम पे जाने दीजिए। तो आप शिक्षा मिलती है कि भगवान ने जब ताकत दिखानी तो रूप बड़ा किया और जब बुद्धि दिखानी तो रूप छोटा किया, वो बाहर निकल के अपना काम निकाला। ऐसे ही माँ सीता के पास पहुंचे हनुमंत लाल मुदरी पटकी। तो देखिए आप अपन किसी काम को किसी को भेजे तो आप दुनिया का बता दे कि मैंने ताड़का को सुरसा का जय हरण किया, तो लंकिनी को मारा, इसको सिंगनी को मारा, लेकिन आप देखिए नम्रता देखिए हनुमंत निरहंकारता देखिए भगवान हनुमंत लाल की। उनने कहा कि राम दूत में मात जानकी सत्य सपत करुणा निधान की, मैं तो भगवान का दूत हूं और भगवान ने हमें भेजा है। तो मां को संदेश हुआ मोरे हृदय परम संदेहा, इतने छोटे छोटे इन राक्षसों से लड़ेंगे। तो देखिए आप भगवान ने कनक भूदराकार शरीरा बड़ा शरीर किया, लेकिन इसमें शिक्षा मिलती है कि भगवान ने माता सीता का डर भगाने के लिए रूप बड़ा किया, डराने के लिए नहीं किया। यह है विनम्रता। और पहुंच गए लंका क्योंकि फल खाए, तब रावण ने पूछा तू मेरा नुकसान क्यों किया, बोले कपि स्वभाव तर उतोरे और रूखा मोए लागी भूखा, मैंने भूख लगी था तो बोले तुमने मारा क्या, बोले जेहे मोए मारा तेहे मैं मारे, तो ऊपर बांधे तने तू मारे, मेरा दोष नहीं है। अब देखिए आप मैनेजमेंट का बेस्ट उदाहरण है हनुमान जी, बोले कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, कपड़ा किसका, रावण का, तेल किसका, रावण का, माचिस किसकी, रावण की, और जली किसकी, एक भी रुपए मालिक का नहीं खर्च कराया, सारा पैसा रावण का, और अपना विजिटिंग कार्ड दे आए हम राम के दूत हैं और आ गए भगवान के पास। तो ये है निरअहंकारता, अगर सीखनी है तो हनुमंत लाल जी से सीखिएगा और अब दादा से सीखिएगा। आ रहे हैं आदरणीय दादाजी, तालियों से स्वागत करिएगा। हेलो।